प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी सीएम होंगे शामिल। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने की डेंगू मरीजों से मुलाकात, मरीजों से स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य संबंधी भी ली जानकारी। लखनऊ में डेंगू का बढ़ता प्रकोप, 1200 के पार हुए संक्रमितों की संख्या। लखनऊ में सेंट एंटोनीज इंटर कॉलेज में कार्यक्रम प्रतियोगिता का फादर विसेट पिंटो ने किया शुभारंभ। अमेठी में आबकारी विभाग के ने की है कार्रवाई, शराब कारोबारियों को लेकर शुरू हुआ चेकिंग अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने नवाबगंज पशियावा वार्ड 2 का निरीक्षण किया है। उन्होंने डेंगू पीड़ितों से मुलाकात कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साथ ही अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष को वार्डों में डॉक्टरों की टीम भेजने के निर्देश भी जारी किए। विशेष रूप से मैंने रुक करके पूछा, बाकी चलते हुए कई घरों में मैंने पूछा तो ज़्यादातर घरों से ये कहा गया कि नहीं, कोई समस्या नहीं है, हम लोग ठीक हैं। 3 घरों में ऐसा मिला कि वहाँ डेंगू के मरीज थे और लेकिन अभी की स्थिति में ठीक हो चुके हैं। एक सवाल, ज़्यादातर जो मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं और जो कुछ घरों में ऐसा रिपोर्ट मिला कि थोड़ा बहुत बुखार की और इस तरह की शिकायतें हैं, मैंने यहाँ इसीलिए मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आया विशेष रूप से कि डॉक्टर साहब को वहीं बुलाने की सोचा था लेकिन आने जाने में समय न लगे इसके लिए मैं यहीं आ गया। दवाओं का इंतजाम होगा, दवाओं में जो टेस्टिंग का की समस्या है उसको ही मैं आज। लखनऊ में जानकीपुरम में स्थित सेंट एंटोनीज इंटर कॉलेज के कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि वार्षिक स्पोर्ट्स मीट में छात्र छात्राओं ने खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा को दिखाकर अपने अभिभावकों का मन मोह लिया। इस प्रतियोगिता में का शुभारंभ फादर विंसेंट पिंटो ने किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने क्लासिकल नृत्य प्रस्तुत कर ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ है। इस मौके पर डायरेक्टर मैरी एंटोनी, प्रधानाचार्य टीना फ्लोरेंस मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कुछ बच्चे लोग उनका परफॉर्मेंस अच्छा किया, उनका बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th में उनको भी अच्छा से पुरस्कार दिया और हमारा चीफ गेस्ट आया फादर विंसेंट पिंडो, इज द एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ लखनऊ डायसिस एंड हर चीज़ ये हमारा बच्चे लोग बहुत अच्छा से प्रोग्राम किया। ये जो और टीचर लोग पूरा था, ये किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक की रहा? खाली नर्सरी से क्लास 12 तक बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट किया, करीब 800 बच्चे लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। बाकी बच्चे लोग तो वॉलंटियर्स रहा, करीब हम लोग पास करीब 900 के ऊपर बच्चे हैं इस स्कूल में। सर, गुड नेम एंड डेजिग्नेशन? हमारा नाम एंटनी है, हमारा नाम आई एम ए डायरेक्टर ऑफ दिस स्कूल। खबर फतेहपुर से, जहां दिद्रूहा पावर हाउस में संविदा कर्मचारी के पद पर तैनात लाइनमैन से जेई बसंत लाल ने फोन पर अभद्रता की है। संविदा कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने गालीबाज जेई को निलंबित करने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने जेई के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस खबर पर फतेहपुर से हमारे संवाददाता मुकेश यादव लाइन पे हैं। संघ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और संविदा कर्मचारी के साथ अभद्रता का जो व्यवहार हुआ है उसको लेकर वो आंदोलित हैं और आंदोलन की मांग को तेज करने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी आ रही है?
मनीष जी बता दें कि पूरा मामला फतेहपुर जनपद के डिगरुआ पावर हाउस का है। यहाँ पे बसंत लाल जी हैं, उन्होंने एक संविदा कर्मचारी को फोन पर अभद्र तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दी। 5 दिन का मामला हो गया, पूरे कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, धरने पे बैठे हुए हैं और जब उनकी कोई सुन नहीं रहा, जिले के अधीक्षण अभियंता हैं, 5 दिन कर्मचारी धरना देते हुए हो गया और मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी में पूरा फतेहपुर जो है वो विकसित है, वो 50 किलोमीटर जाके उनकी कोई बात नहीं सुन सके। आखिरी में संविदा कर्मचारियों को अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में धरने में बैठना पड़ा। 2 दिन कार्यालय में धरने में बैठे रहे, उसके बाद भी अधीक्षण अभियंता ने उनकी नहीं सुनी। और इस मामले में कुछ मीडिया कर्मी जब उनकी आवाज बनके वहां गए और अधीक्षण अभियंता से उनकी बाइट लेनी चाहिए, तो अधीक्षण अभियंता ने भी मीडिया कर्मियों को कमरे से निकल जाने की बात कही। उनके साथ अधीक्षण अभियंता ने भी बदसलूकी की। तो जब जिले के अधीक्षण अभियंता मीडिया कर्मियों से बदसलूकी कर रहे हैं, उनके जेई अपने संविदा कर्मचारियों से बदसलूकी कर रहे हैं, विद्युत मंत्री आए दिन अपनी जनता से अच्छा व्यवहार करने की नसीहत देते हैं और जिले के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ही खेद का विषय है। अभी जानकारी मिल रही है कि जेई को वहां से तबादला कर शहर के बगल में एक पावर हाउस है वहां पे तैनात कर दिया गया है। तो तबादला कोई कार्रवाई नहीं होती है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और अब देखते हैं इसमें कि विद्युत विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं क्या रुख अपनाते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। जी मनीष जी। जी मुकेश, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आज जो हम यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं, लगातार ये हमारा 5वां दिन है। 3 दिन हम बिंदकी उपखंड में बैठे रहे, उसके बाद 2 दिन से लगातार हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी समस्या ये है कि 33/11 के भी उपकेंद्र डिगरुआ बबई में तैनात अवर अभियंता श्री बसंत लाल जी द्वारा हमारे एक संविदा कर्मचारी को अभद्र तरीके से गाली दी गई है और हम पावर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से या तो निलंबित किया जाए या तो मंडल से बाहर उनका स्थानांतरण किया जाए। हमारे जो संविदा कर्मी हैं, हमारे एक यूनियन इंजीनियर हैं, बिजली घर है डिगरुआ फतेहपुर में, ये विद्युत वितरण खंड बिंदकी है, तो डिगरुआ बिजली घर के जेई हैं बसंत लाल जी। इन्होंने जो है मोबाइल पर किसी संविदा कर्मी को, ये शैलेंद्र कुमार को, गाली दी है। तो वो संज्ञान मेरे आया है और उस समय मैं जनपद फतेहपुर में नहीं था, मैं बाहर था और मैंने जो है इन्हों से एक्शन से रिपोर्ट मांगी है। अब वो आने वाली भी है, आज शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जलालपुर थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में पहुंचे। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अराजक तत्वों ने काला पेंट लगा दिया था, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे। और आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों में महिलाओं के बीच झड़प हो गई, जिसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसी मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूर्व मंत्रियों और विधायक समेत घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। देखिए, जब इस घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से और हम लोगों के रिपोर्ट देने के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जानकारी हुई, तो उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और एक प्रतिनिधिमंडल का गठन करके उन्होंने इस घटनास्थल पर का दौरा करने का निर्देश दिया, जिस कड़ी में आज हम सभी लोग माननीय अवधेश प्रसाद जी, पूर्व मंत्री विधायक जी अभय सिंह जी और हमारे महेंद्र यादव जी, पंकज पटेल जी और विधायकगण तमाम लोग आए हुए हैं। निश्चित तौर से हम लोगों की एक ही चाहत है कि निश्चित तौर से जिन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चंदौली में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने मत्स्य योजना के लाभार्थियों को केसीसी प्रमाण पत्र सौंपा। आपको बता दें कि इस दौरान संजय कुमार निषाद ने बताया
बयान दिया कि भगवान राम ने जैसे निषाद राज को गले लगाया था, आज बीजेपी ने निषाद पार्टी को गले लगाया है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने रावण राज खत्म कर दिया। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर कटाक्ष करते बोले कि पहले क्या थे अब क्या हैं, वह खुद मूल्यांकन करें। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज योजना, अभी एक योजना इनकी मछुआ कल्याण कोष की, इनके बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए कि अभी उसकी स्थापना हुई, एक हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा, उसके नियम शर्त बन रहे हैं। उनके बच्चों को हम मंडल स्तरीय पर अभी हम आवासीय सुविधा देंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे पढ़ाएंगे, आगे बनाए अधिकारी कर्मचारी उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में लाएंगे। अलीगढ़ में थाना मंडराग क्षेत्र में एक गांव में महिला की फोटो के साथ युवक ने छेड़छाड़ कर फेसबुक पेज पर वायरल कर दिया। थाने में पीड़ित महिला के पति ने पड़ोसी युवक पर आरोप लगाया है, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं इस घटना में पीड़िता का कहना है कि पड़ोस का युवक अश्लील फोटो फेसबुक पर वायरल कर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे महिला का घर भी और बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। पीड़िता के तहरीर पर पुलिस जाँच में जुट गई। मेरी घरवाली के फोटो डाल दिए फेसबुक पर। किस तरह के फोटो डाल दिए? वो भी गंदे संदे उनके साथ। आपको कैसे जानकारी हुई? मुझे पड़ोसियों ने बताया और मैंने भी जानकारी मेरी मैडम ने भी बताया। अच्छा, तो अब आपने कहाँ पे आए हो? मैं चौकी में आया हूँ। चौकी पे तहरीर दी आपने? हाँ दी। अब आपकी आगे क्या मांग है? आगे यही मांग है, मुझे इंसाफ चाहिए। गुजरात मोरवी पुल हादसे के बाद सीएम योगी ने पुलों के निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी प्रकाश चंद ने जलौन से औरैया जाने वाली पुल की मरम्मत कार्य के निर्देश जारी किए। साथ ही भारी वाहनों के आवागमन के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जलौन जाने के आदेश जारी किए। जालौन पुल की एक रिपोर्ट दी है इंजीनियरिंग विभाग ने कि उसके नीचे एक बोल्ट कुछ ढीले हो गए हैं, जिससे उसकी वाइब्रेटिंग ज़्यादा आ रही है। उसको सही करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी क्षति हो सकती है। इसके लिए उसको सही करने के लिए एक महीने के लिए फिलहाल उसको रोका गया है ट्रैफिक उस पर, और उसके डाइवर्जन रहेगा, जब वो बन जाएगा फिर चालू कर दिया। इस समय हम सेलगढ़ घाट पर हैं, जो औरैया से जालौन को जोड़ते हैं, और इस पुल में जो गड्ढा हुए हैं, गड्ढे को लेकर जिला प्रशासन ने 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह ग्राम प्रधान बघावली विकास खंड कुटुंबी। जो ये पुल बंद किया गया है, हमारी ग्राम सभा में जो पुल बंद किया गया है उसको लेकर 3 महीने के लिए जो जिला प्रशासन ने बंद किया है, क्या किया? अरे इसमें बंद क्या किया, गड्ढे हैं इसमें, और क्रॉसिंग भी आ गई है, तो जहाँ पे कोठी का ज्वाइंट है वहाँ पे काफ़ी फैसला आ गया है, और भारी वाहन चलने से ओवरलोड के वजह से मोरम की हमारे यहाँ से किसान इधर को जाते हैं, तो उनकी वजह से गड्ढे के कारण और भारी वाहन की वजह से ये ट्रैक हो गया है। इसलिए और गड्ढा मुक्त सरकार हल्के वाहन निकलते रहेंगे, फिर भी हल्के वाहनों को भी खतरा है, भारी वाहन को निकाल मना कर दिया, हल्के वाहनों को भी खतरा है, कभी भी समय किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासन से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इसको तैयार किया जाए, इसमें मरम्मत कराई जाए या पुनः निर्माण दूसरा कराया जाए, इसके लिए सरकार से अपील है। जो अभी जो भारी वाहन है बुंदेलखंड एक्सप्रेस के ऊपर से जाया करेंगे, और 3 महीने के लिए यह देखने की बात होगी कि 3 महीने में जिला प्रशासन इस पुल का मरम्मत करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है। प्राइम टीवी से इसी तुम्हारी खबर बदायूं से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देश में तिहरे हत्याकांड जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधिकारियों ने मुख्य आरोपी सहित 2 अन्य लोगों को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। जनपद बदायूं के थाना उसैद में विगत 30 अक्टूबर को एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनकी मां व उनकी पत्नी की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं महोदय द्वारा एक एसओजी की टीम को और उसके अतिरिक्त 2 अन्य टीमों को लगाते हुए इस घटना के खुलासा किया गया था, और 2 अभियुक्त तत्समय गिरफ्तार हो गए थे।
आज एसओजी की टीम और उसैद पुलिस द्वारा उल्लेखनीय इसमें प्रगति करते हुए इस घटना में जो मुख्य शूटर जिसका नाम विक्की उर्फ विक्रम है उसकी गिरफ्तारी की गई, जो कि 15,000 का इनामिया बदमाश था। और इसके साथ साथ एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम अवनीश है, जो मृतक राकेश गुप्ता जी का पूर्व परिचित था और ऐसा पूछताछ में आया है कि उसके द्वारा ही दरवाजा खुलवाने के उपरांत सभी बदमाशों ने घर में प्रवेश किया था, उसकी भी अरेस्टिंग हो गई है। खबर गाजीपुर से, जहां सीएम योगी ने जेटी परियोजना का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कलेक्टर घाट पर जेटी निर्माण कार्य संपन्न हो गया तो वहीं चार स्थानों पर निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस परियोजना के माध्यम से जल मार्ग के रास्ते यात्रा और परिवहन व्यवस्था को सुगमता मिलेगी। रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने स्टंप की कमी के दर्ज मामले में स्थलीय निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्टंप चोरी एक गंभीर आरोप अपराध है। इस प्रकार के मामले राजस्व हानि करने का प्रयास है। जिलाधिकारी ने इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर उप निबंध के फिर से रिपोर्ट मांगी है। खबर रायबरेली से, जहां दबंग हिस्ट्री शीटर प्लॉटिंग की आड़ में ग्राम सभा के नाले की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीणों और प्रधान ने अवैध निर्माण रोक की मांग उठाई है, जिस पर दबंगों ने प्रधान को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। प्रधान ने पुलिस पर मिली भगत का आरोप भी लगाया है। तो वहीं प्रधान ने जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के पीआरओ को घटना की जानकारी दी है। पीआरओ ने प्रधान को उचित न्याय दिलाने की आश्वासन भी दिया। क्या नाम है? रवि शंकर गुप्ता। समस्या क्या आई है? समस्या भी है, देखो हमारे गांव में नाला है पुराना, हमको नहीं पता कब का नाला है, बहुत पुराना नाला है और नाले पे कुछ जमीन के लफड़े पे कब्जा कर रहे थे उसमें, तो हमारे यहाँ के प्रधान ने जाके उसको रोका, तो गाली गलौज हुई, मारपीट तक नंबर आ गए, धमकी देने लगे। तो हमारे प्रशासन से गुजारिश है कि उस नाले जहाँ पर है वहीं रहे और नाले में कोई छेड़छाड़ न की जाए, नहीं तो उसमें विवाद होगा। कौन लोग थे ये जो आए थे नाला कटवा रहे थे? ये जमीन जिसकी जमीन है वो अपना प्लाटिंग करने। क्या नाम है जिसकी जमीन है ये? नाम नहीं पता हमको। क्या करा रहे बाहर के लोग हैं, नाले को पार के अपना प्लाटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। मामला भैया ये है कि नाला आज सालों से बह रहा है, कई सालों से बह रहा है हमारे बाप दादा के आगे से। कहाँ पे है नाला ये? ये नाला ये रोड से हटके थोड़ा। कौन सी ग्राम सभा है? ये राही ग्राम सभा है। कौन लोग थे? पर ये तो भैया रायबरेली के लोग थे, नाम तो हम पहचानते। क्या करा रहे थे नाले पे? नाला पे पटवा रहे थे। क्यों, उनका खेत है क्या वो? नहीं, किसी की जमीन का एग्रीमेंट करा के उसको पटवा के उसमें प्लाटिंग करवाने नाला पाट के उसमें। तो आप लोगों ने किसी शिकायत की इसकी? नहीं, हमारे प्रधान जी ने जाकर उनको रोका तो प्रधान जी के ऊपर हमारे जेसीबी चढ़ा रहे थे। किसी सरदार की ज़मीन है और इस ज़मीन से आज हम पैदा नहीं होते, बहुत पुराना, लगभग 50 साल पुराना ये नाला बना हुआ है। इसको आकर के जेसीबी से 60-70 दफर मिट्टी डलवाए हैं और इसको कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद ये मिट्टी से अपना नाला भी पाट दिए हैं। कह रहे हैं मेरी संपत्ति है। मैं कहता हूँ अगर आपकी संपत्ति इसको नपवा लिया जाए, मैं आके यहाँ कहा कि काम रोक दो, तो ये कह रहे हैं जैसे भी चढ़ा दो, उसके बाद अपना हवाई फायदी मतलब कट्टा उट्टा दिखाते हुए चले। अमेठी में जिलाधिकारी और उप आबकारी आयुक्त के निर्देश पर आबकारी विभाग में अवैध शराब कारोबारियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान संग्रामपुर कोतवाली के राजापुर पसियान में दबिश के दौरान कई लीटर अवैध शराब और लहन बरामद की गई। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। औरैया में एक अपराधी ने अपने आप को पुलिस से बचने के लिए गजब खेल खेला है। खेल ऐसा कि खुद एसपी चारू निगम इस शातिर अपराधी के खेल का शिकार होने से बाल बाल बच गई। आपको बता दें कि अपराधी ने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए पहले तो
एसओजी के सिपाहियों को टारगेट किया। इसके बाद एक सिपाही के ऊपर रुपए लेने का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट वायरल करवा दिया। जांच पड़ताल में आरोपी दोषी पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। औरैया की कोतवाली पुलिस प्लस जो है औरैया एसओजी वाले हमसे जो है धमकाकर पहले जो है एक बार अभी हमें फिलहाल में चोरी मुकदमे में भी जेल भेज दिया था। इसके बाद सर अभी हम करीबन एक साल बाद छूटे हैं सर। इसके बाद सर हम घर पर आए हैं तो इसके बाद में कोई और चोरी हो रही होंगी तो जी हमसे पैसे भी मांगते हैं, मतलब कि रंगदारी टाइम में मांग रहे हैं। और इन्होंने जो हमने कई बार लेन देन भी करवाया है, पैसे भी दिलवाए, कई जगह से इन लोगों को रुपए भी दिलवाए हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए तक हमने इनको दिलवाए हैं। मैं परिवारी वगैरह सभी लोग थे। मनीषा राठौर ये हमारे कोतवाली क्षेत्र में रहती हैं, काली माता मंदिर के पास इनका घर है। ये अपने मायके गई थी, गत वर्ष इनके पति की डेथ हो गई थी तो इस त्योहार पे मायके गई थी। जब लौट के आई तो इनको पता चला कि इनके घर पे चोरी हुई है। समीचीन धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। जब आसपास के कैमरा से फुटेज उठाई तो घटना इस प्रकार थी कि एक सेंट्रो गाड़ी में तीन अभियुक्त जो बाद में चिन्हित हुए, ये पता चला किसकी गाड़ी थी और किन लोगों ने घटना की थी। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में रबड़ कंपनी मालिक के खिलाफ महिला कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि कंपनी का मालिक महिलाओं के साथ गाली गलौच और मारपीट का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कंपनी मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई के आश्वासन देकर प्रदर्शन को शांत कराया। बहुत सर ने फेंके थे। सर ने? हाँ। अच्छा, फिर आप बेहोश हो गए थे? हाँ, मैं घबराहट हो गई थी, मैं चक्कर आ गई थी, मैं गिर गई थी यहाँ के बाहर आके। किसको मारी थी कुर्सी? मेरे ऊपर फेंकी कुर्सी। हम लोग 8 बजे आए, हम अपना काम करने लगे। जब 9 बजे वो मैडम ठेकेदार नहीं आई तो उसने बोला कि हमारी टेबल किसी ने काट दी। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं, हम अपना काम करते रहे। उसके बाद उसने फोन किया तो सिद्धांत सर आए, मालिक का लड़का, उसने हमारे सुपरवाइजर है पूरन सर जी, उनको गाली दी, मतलब गंदी गंदी गाली दी और टेबल को उठाया, उनको मारा। तो उनको ना लग के हमारे साथ में एक लड़की काम करती है, उसको वो टेबल लग गई। लड़की ना हदपा खा के वहीं पे एक मतलब मालिक के बेटे ने, मालिक के बेटे ने, और सर मालिक के बेटे ने, मालिक भी हमेशा हम लोगों को गंदी गंदी गाली देता है। सोमवार से आए यहाँ पे, जब से हंगामा होने लगा। किस पद पे रखी गई है मैडम? ठेकेदार है, वो ठेका चलाती है। अच्छा जी, इसमें पहले ठेका था? नहीं, अब हुआ ऐसे मिले में था, ऐसे एक मिनट, ऐसे मिले थे वो ऐसे मिली तिरपन यहीं पे चलाते थे ये, उसके बाद यहाँ पे सोमवार से आने लगा। उनके बाद ये यहाँ पे ठेका चला रहे, ठेका चलाते चलाते अब 3-4 दिन हुआ इसके आए हुए, तीन चार दिन से लेडीजों की नाक के दम कर रखा। दो लेडीज काम नहीं कर रही थी तो उनको बोला भाई हम आपका हिसाब कर देंगे, तो वो हिसाब तो नहीं हुआ, वो जिस लेडीज का नाम लिया था वो सबको खींच के नीचे ले गई और फिर हल्ला गुल्ला कर दिया और क्या, कुछ नहीं है बाकी। तो एक बता रहे हैं कि आपके बेटे ने कुर्सी मारी किसी सुपरवाइजर को और फिर वो कुर्सी किसी और को जाके लगी, बेहोश हो गई लड़की। किसी को भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप अभी जाके मिलो उससे। लखनऊ में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि डेंगू से कुल 46 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू संक्रमितों की संख्या 1200 के पार हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 2135 घरों का के आसपास मच्छर जनित स्थितियों का जायजा लिया, जिसमें 9 घरों में मच्छर जनित स्थितियाँ पाई गई हैं। जिसके साथ ही नगर मलेरिया विभाग ने इससे निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया। गाजीपुर में सदर तहसील क्षेत्र के अतरौली गांव में डीएम ने हाथ में हसिया लेकर धान फसल की क्रॉपिंग कटिंग की शुरुआत की। डीएम ने किसानों की मेहनत को सराहते हुए उन्हें पारंपरिक खेती के साथ ही तकनीकी खेती और सफसली खेती को अपनाने की भी बात कही। उन्होंने किसानों से यूँ भी कहा कि इससे लोग अपनी वार्षिक आय को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। आपको बता दें कि धान फसल की कटिंग के दौरान राजस्व टीम के साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। ग्राम सभा में क्रॉप कटिंग का कार्य चल रहा है जी। और इसका उद्देश्य ये है कि हम देख सकें कि धान की उत्पादकता कितनी है,
तो आज इन शिवमुनी जी के खेत में हम लोग क्रॉप कटिंग कर रहे हैं और अभी फसल कटी है और उसकी थ्रेशिंग की गई है। अब उसको वजन करा के देखा जाएगा कि उत्पादकता कितनी है, उसके आधार पर हम बीमा के बारे में विधि निर्धारण कर सकते हैं कि क्या रेट से बीमा दिया जाएगा, कितने पे हमारे धान का क्रय जो हो रहा है वो रेट भी उत्पादकता के अनुसार ठीक है कि नहीं है, और जानकारी फसल के बारे में मिल पाएगी। गाजीपुर में एमएलसी विशाल सिंह चंचल के नेतृत्व में जिला अस्पताल में हेल्प एटीएम का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि हेल्प एटीएम के माध्यम से टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, शुगर जैसी रूटीन जांच आसानी से की जा सकती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। खुद का पूरा चेकअप कोई करना चाहे तो खुद से कर सकता है और ये बेहतरीन चीज है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए लैब में टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ एटीएम के माध्यम से आप अपनी शरीर की पूरी स्कैनिंग कर सकते हैं, पूरे शरीर का टेम्परेचर से लेके बीपी से लेके शुगर से लेके काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन है। मैं प्रयास करूँगा कि बाकी अस्पतालों में भी हेल्थ एटीएम लगे। खबर हरदोई से, जहाँ गाँव के ही दबंगों से परेशान परिवार पलायन को मजबूर हैं, तो वहीं पीड़ित परिवार घर का सामान लेकर एसपी दफ्तर के सामने बैठे गए। आनन फानन में एसपी राजेश द्विवेदी ने थाना अध्यक्षों को जल निस्तारण के आदेश भी जारी किए। साथ ही एसपी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किन लोगों ने रायबरेली में महिला के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के शोभापुर गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने घायलों को सीएससी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए भेज दिया है। वहीं जब महिला थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो पुलिस वालों ने महिला की एक ना सुनी। तो एक माँ छोट के बिटिया है तो कहीं चप्पल पहन के घूमना घुस तो चले गए वहाँ। फिर वो पाए दुआरे दरवाजे से नहीं गाड़ी वाड़ी दिए ला गए तो वह हम बोलन कहा गरी आवत गई तो वह फिर आ गए तो हम कमारा ही ला गए। कुल्हाड़ी से मारा है, ऐसे तम्बाकू रखने आए नहीं रखने दिया तो कुल्हाड़ी से मारा। कितने लोग थे मारने? तीन चार लोग थे। क्या नाम थे उनको? खबर रायबरेली से, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सालोन सीएससी में इलाज के लिए भर्ती कराया। रामपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से गांधी स्टेडियम में एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम बिजस पाठक शामिल रहेंगे, साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद करने का मुख्य उद्देश्य है। समाज के लोगों से जो दबे कुचले पिछड़े हैं, मोदी जी के आह्वान के बाद एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने का रामपुर में योजना है, जिसको कल आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी संबोधित करेंगे। और वो इस कार्यक्रम को एक तरह से एक आगाज है रामपुर के उपचुनाव के लिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें अल्पसंख्यक समाज का, अल्पसंख्यक मोर्चे का बड़ा योगदान होगा, लाभार्थियों का बड़ा योगदान होगा, और जो एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है लाभार्थी, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और इस बार एक रामपुर से नया इतिहास लिखा जाएगा। खबर फरुखाबाद से, जहां कायमगंज विधायक सुधी सुरभी गंगवार ने स्वच्छता भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत कुरान और पिलखाना में वेस्ट मटेरियल रिकवरी सेंटर का भूमि पूजन किया है।
उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के सफल बनाने के लिए अपील की है। भूमि पूजन के दौरान खंड विकास अधिकारी गगनदीप सिंह और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं।